लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती है और सत्य कहते हैं। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बल में कितना अंतर है हम सभी जानते हैं, किंतु एक उंगली आपको उचित मार्ग दिखा सकती है, मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है, इसे पहले पहचान। संगठन वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, केवल शक्ति पाने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए संगठन में रहिए किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइएगा। राधे राधे। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है, बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों, प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है, कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भय हमें क्यों लगता है। ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त रहें, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिएगा और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे। अस्तो मां सत्कमे, तमसो मां ज्योतिर्कमे, मृत्योर्मा मृतम गमे। कभी आपने सोचा है काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता, रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता, ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते, ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते, क्या इन सब का आनंद हम ले पाते। स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं, यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें,
इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए। असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखें, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहां पे समस्या कर्तव्य में नहीं, यहां समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो, आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। राधे राधे। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, ना आगे देख पाता है ना पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, ना अपनी राह देख पाता है ना अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता, क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है ये छोटा सा दिया। अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर के इस ऊर्जा को जगाकर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। राधे राधे। विवाह प्रेम का लक्ष्य है ये भ्रम है था, और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है, कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है, किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं था। विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ, किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं ना कहीं खो जाता, और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। समर्पण, शत प्रतिशत निस्वार्थ समर्पण, वो समर्पण जो किसी मां के मन में अपनी संतान के लिए होता है,
क्योंकि ये प्रेम दाव, ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही बौद्धिक, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे, किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप है। पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका, नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, इतने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सके। तब किया गया एक का, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी सागर में तैरने लगे, उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है? अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे। कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक स्थान जो वर्षा, धूप, शत्रुओं से सुरक्षित हो। फिर वो अपना घोंसला बनाता है, फिर अंडे देता है, और फिर जब उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती हैं तो उन्हें भोजन देता, उनकी सुरक्षा करता। परंतु जब उनके पंख निकल आए तो ना उन्हें भोजन देती है ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती। उड़ने की कला सिखाती है बस, फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीख जाती है, स्वयं घोंसला बनाना सीख जाती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके, और अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। जीवन में वही कीजिए जो एक पंछी करता है। अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाई, संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने को मुक्त कर दीजिए। राधे राधे।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ इस चींटी को क्यों देख रहा हूं। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है, किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा, जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे संसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना? प्रेम भी यही सिखाता है राधा, कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। ये तो समय ही बताएगा ना राधा, कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है, अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं, हमारे जीवन की आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। राधे राधे।